हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए, और ये है मेरी सिस्टर की वेडिंग से रिलेटेड। आप लोग समझ गए होंगे, मैं उसका मेकअप किट दिखाने वाली हूँ जो इसने अपनी शादी के लिए रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास दो पाउच है, एक है ये और एक है ये। तो ये दोनों ही जो पाउचेज है उसने अमेजोन से मंगवाए हैं। इसका जो प्राइस है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मैं पहला आपको पाउच जो ओपन करके दिखा रही हूँ वो है ये। बहुत ही ब्यूटीफुल सा पाउच है, शिमरी पिंक कलर में, पेस्टर पिंक वो वाला कलर है। बहुत ही न्यूड सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पाउच है ये। इसका मेकअप पाउच के अंदर का सामान मैं आपको दिखाती हूँ उसने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मॉइस्चराइजर की, और मॉइस्चराइजर के लिए मैंने अपनी सिस्टर को जो रिकमेंड किया था वो है सेटाफिल का मॉइस्चराइजर। सो ये सेटाफिल का डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग क्रीम है। ये बहुत ज्यादा हाइड्रेट करता है आपके फेस को। ये ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, नॉर्मल पीपल सभी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका प्राइस है वो है 147 रुपीज। एक अच्छा मॉइस्चराइजर अगर आप देख रहे हैं तो सेटाफिल इज माय फर्स्ट रिकमेंडेशन, और काफी बजट फ्रेंडली भी है। आफ्टर मॉइस्चराइजर अब हम जाते हैं सेकेंड स्टेप पे, जो की रहता है सनस्क्रीन। और ये जो है ये है लोरियल का परफेक्ट सुपर एक्वा वाला है ये। इसकी कंसिस्टेंसी वगैरह अगर मैं आपको दिखाऊं बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सो इसकी बिल्कुल भी थिक कंसिस्टेंसी नहीं है, वाटर फॉर्म में है ये। आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करता है ये। जो यूवी रेज रहती है दिन में जो एकदम आपके फेस से पड़ती है, आपकी स्किन को डार्क करती है, तो उसके लिए ये काफी अच्छा सनस्क्रीन है। आपको सनस्क्रीन डे टाइम पे तो जरूर यूज करना चाहिए, नाइट टाइम में आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है प्राइमर, और प्राइमर बजट फ्रेंडली जो मैं आपको बता रही हूँ वो है ब्लू हेवन का। सो गाइज, ये ब्लू हेवन का फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर है। आपके जितने भी स्किन में जितने भी पोर्स हैं, जो ओपन पोर्स है उनको ये बंद करता है। बेसिक फाउंडेशन वगैरह जो होते हैं उसको अच्छे से बेस बनाने के लिए प्राइमर इज मस्ट, और ये स्मैश बॉक्स का ड्यूप है। तो ये तो मेरा काफी बजट फ्रेंडली प्राइमर था। एक और प्राइमर मैं आपको जो बताना चाहूंगी, एक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर। आफ्टर मॉइस्चराइजर, आफ्टर प्राइमर, आफ्टर सनस्क्रीन, स्टेप अब हम लोग फॉलो करते हैं मेकअप में, वो है हमारा कंसीलर। और ये है स्विस ब्यूटी का कवर स्टूडियो वाला पैलेट, अल्ट्रा बेस कंसीलर पैलेट। लेट मी ओपन दिस। तो आप यहाँ पे शेड्स देख सकते हैं, ब्यूटीफुल शेड्स है इसमें। जितनी भी इंडियन स्किन है हमारी उन सभी के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने इस पैलेट को डिजाइन किया है। सो गाइज, मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये एस्टी लॉडर का डबल वेयर फाउंडेशन। सो गाइज, फॉर फाउंडेशन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ऑनलाइन ना जाएं, आप लोग मॉल पे जाके पूरा टेस्ट करके इसे लें, क्योंकि ऑनलाइन शेड का इतना पता नहीं चलता है। आप जब जाएंगे स्टोर पे तो वहाँ प्रॉपर आपको सैंपल दिखाया जाएगा। कभी भी अपना जो फाउंडेशन वगैरह आप कुछ भी लेते हैं तो उसको यहाँ टेस्ट ना करें, उसको हमेशा अपने यहाँ पे टेस्ट कीजिए। आपकी स्किन पे आप अच्छे से टेस्ट कर पाओगे, हाथों पे इतने अच्छे से पता नहीं चलता है। फाउंडेशन में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। इसके अलावा अगर मैं आपको फाउंडेशन अगर आप देख रहे हैं तो मिलानी का फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैक का फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है, बट मैक जो है वो ऑक्सीडाइज करता है आपके फेस को, इसीलिए वो थोड़ा सा मेरे को उसका पॉइंट नेगेटिव लगा। अदरवाइज मैक भी बहुत अच्छा है, कईयों की स्किन पे वो बहुत अच्छे से जाता है, बट फॉर माय सिस्टर स्किन हमें ज्यादा बेटर ये लगा। आई हैव सम सैंपल्स जो मुझे बॉय ब्राउन का मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया था उसकी वजह से मुझे सैंपल आए हैं, और ये इस तरीके से है, मैं आपको सैंपल दिखाती हूँ। और आपको सैंपल यहाँ पे मिले हुए हैं, मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके से काफी सारे सैंपल हैं फॉर एवरी स्किन टाइप, लाइक नेचुरल, नेचुरल टैन, हनी, वार्म हनी। ओके, सो गाइज, आफ्टर फाउंडेशन अब आपको अपना मेकअप को सेट करना है, तो इसलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मैक का कॉम्पैक्ट। सो ये मैक का कॉम्पैक्ट है स्टूडियो फिक्स प्लस, काफी क्यूट सा। यहाँ पे आपको मिरर भी दे रखा है, इनकेस यू आर गोइंग सम यू नो अदर प्लेस, तो आपको स्पेशल कैरी करने की जरूरत नहीं है मिरर, आप यहाँ से देख के अपना मेकअप कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा है। गेन मैं एक ही चीज बोलूंगी, कॉम्पैक्ट एंड फाउंडेशन आप लोग ऑनलाइन ना जाके आप लोग स्टोर से जाके ले, ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा।
आपको अपने शेड का अच्छे से पता चल पाएगा। सो आफ्टर फाउंडेशन, आफ्टर कॉम्पैक्ट, अगर आप कॉन्टोरिंग की बात करें तो कॉन्टोरिंग के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया ही है स्विस ब्यूटी का ये वाला पैलेट। यहाँ पे आपको कॉन्टोरिंग के लिए ये वाला शेड दिया हुआ है। आप इसके अलावा मैं आपको दिखा रही हूँ ये ब्लश पैलेट, ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश पैलेट, और ये बहुत ही सुंदर सा ब्लश पैलेट है। आफ्टर सो मेनी रिव्यूज मेरी बहन ने ये मंगवाया है। ये है फ्रॉम द ब्रांड मेकअप रेवोल्यूशन। मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट, चाहे आप आई पैलेट कह लो, ब्लश पैलेट कह लो, कॉन्टोर पैलेट कह लो, सारे ही पैलेट जो होते हैं काफी अच्छे हैं और आपको काफी अच्छी चीज बजट में मिल जाती है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल से शेड दिख रहे होंगे। दिस इज फॉर हाइलाइटर, काफी ब्यूटीफुल सा हाइलाइटर है ये। काफी सारे कॉन्टोरिंग शेड आपको यहाँ भी मिले हुए हैं उस पैलेट के अलावा। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छे से ब्यूटीफुल ब्लश के शेड मिल रहे हैं। यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे कोरल है, यहाँ बेज कलर है। मेरी सिस्टर इतना आईज मेकअप पसंद नहीं करती है, बट उसने एक छोटा सा पैलेट कभी कैसे कहीं शादी में या फंक्शन में या किसी के खाने पीने के वहां जाना हुआ तो उसके लिए एक छोटा सा आई पैलेट इसने ऑर्डर किया है। और ये ये है लैक्मे एब्सोल्यूट इल्यूमिनेटिंग आई शेडो। यहाँ आपको 6 शेड्स मिलते हैं, जहाँ पे आपके पास बेज कलर भी है, जहाँ पे आपके पास ब्राउन कलर भी है फॉर योर आईलिड्स। ज्यादा मेकअप पसंद नहीं करते बट आपको कभी कभार अगर यूज करना है तो उसके लिए उसने ये पैलेट मंगाया है। आप अच्छा पार्टी मेकअप लुक इन 6 शेड से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बनाना पाउडर का, रेवोल्यूशन ब्रांड का। इसका जो टेक्सचर है वो हमारे इंडियन स्किन पे बहुत अच्छे से जाता है। जो फेस मेकअप में लास्ट प्रोडक्ट है मेरा वो है ये हाइलाइटर YBP श्रेया जैन। क्रीम बेस्ड जो हाइलाइटर होते हैं वो आपके फेस को एकदम नेचुरल लुक देते हैं। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है आईलैशेस। किसी भी मेकअप रफ एनहांस दिखाने के लिए, आपकी आईज को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप लोग ये आईलैशेस यूज कर सकते हैं। और ये हमने अमेजोन से मंगवाया है, 250 का है। इसमें 3 पेयर दिख रहे हैं आपको। कुछ बिंदियां हैं जो मेरी सिस्टर ने मंगाई है फॉर यू नो डेली यूज। सो अभी मैं ये वाला आपको दिखाने वाली हूँ पाउच ओपन करके। तो यहाँ पे मेरे पास सिंदूर में जो उसने लिया है वो है ब्लू हेवन का सिंदूर। इसके अलावा अगर मैं आपको सिंदूर में रिकमेंड करूंगी तो वो है लोटस का हर्बल सिंदूर। उसमें 2 शेड आते हैं, एक थोड़ा मरून है, एक थोड़ा सा रेड है। अब बात करेंगे लिप केयर की। तो मेरे पास यहाँ पे 2 लिप केयर है, एक है वैसलिन का लिप केयर और ये है मेरा फॉरेस्ट एसेंशियल का लिप बाम। और ये मेरी सिस्टर ने यूज करना भी स्टार्ट कर दिया। इस पे आपको छोटा सा क्यूट सा मिरर मिलता है। सो अब बात करते हैं आईब्रो पेंसिल की। आईब्रो पेंसिल में यहाँ पे जो मेरे पास है वो है जो ये है स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल और ये आपको स्पूली के साथ मिला हुआ है। मेरी सिस्टर काजल लगाना इतना प्रेफर नहीं करती है तो उसने अपने लिए आई लाइनर लिया है और ये है नायका का। इसको मैं एक बार थोड़ा सा आपको करके दिखाती हूँ। और ये नायका का गेट इंक वाला आई लाइनर है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मस्कारा। मस्कारा आपकी आईज को इनहेंस करता है। ये है लैश वेरियर फ्लावर ब्रांड का। इसका जो एप्लीकेटर है वो काफी यू नो स्मूथ है, काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मस्कारा है और इसकी जो रिव्यूज है वो मालविका सितलानी ने बहुत अच्छे दिए हैं। उन्हीं के रिकमेंडेशन पे मेरी सिस्टर ने ये बाय किया है। ये है आईलाइनर लैक्मे ब्रांड का। मेरी सिस्टर इसको डेली बेसिस पे यूज करती है और काफी अच्छा यू नो बजट फ्रेंडली है। आई थिंक 100 या 110 का कुछ का आता है ये। तो ऐसा नहीं है कि ये सस्ता है तो ये ज्यादा देर चलता नहीं है। आप इसको अगर अभी लगाओगे तो आराम से 6-7 घंटे आराम से रहता है। लॉन्ग लास्टिंग वाला आईलाइनर है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नेल पेंट रिमूवर और ये जो है फेसिस कैनेडा ब्रांड का है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसको। जस्ट इस तरीके से ये मिलता है। आपको अपना जो भी जिस भी नेल्स में आपकी नेल पेंट लगी है उसको जस्ट यहाँ पे इंसर्ट करना है और ये आपका इंस्टेंटली रिमूव कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा नेल पेंट रिमूवर है। इसका प्राइस भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिपस्टिक और आपकी वैनिटी में लिपस्टिक तो जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 3-4 लिपस्टिक्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट लिपस्टिक है वो है ये शुगर की स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक और इसका जो शेड है वो है 07 रीथिंक पिंक। बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक कलर है। नेक्स्ट लिपस्टिक भी मेरी शुगर ब्रांड्स के हैं। मुझे शुगर की लिपस्टिक काफी पसंद है, लिक्विड लिपस्टिक और बजट फ्रेंडली 499 या 500 समथिंग की है। ये आपको आराम से मिल जाएगी। ये मार्केट में भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और ये है गोटा टेरिकोटा। नेक्स्ट लिपस्टिक है मेरी स्मैश बॉक्स की और ये जो शेड है वो है ड्राइवर सीट। नेक्स्ट शेड जो है वो है स्मैश बॉक्स का अगेन और ये जो है ये है बेब अलर्ट। ये दोनों ही लिपस्टिक बहुत ही ज्यादा यू नो वंडरफुल लिपस्टिक्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट लिपस्टिक्स हैं। जो वो है रेड कलर में इनसाइड की नॉन ट्रांसफर लिप कलर।
मिनी मैक फिक्स प्लस। सो ये एज अ प्राइमर भी काम करता है, एज अ यू नो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे भी आप यूज कर सकते हो, दोनों ही चीजों के लिए बहुत अच्छा है। मेरे पास इसकी बड़ी बॉटल है, उसने छोटी बॉटल ऑर्डर करी है बिकॉज वो ट्राई करना चाहती थी। ये है 1200 समथिंग की कुछ की है और ये काफी अच्छा फिक्सिंग स्प्रे है आफ्टर मेकअप सेट करने के लिए। आपके मेकअप के लिए फिक्सिंग स्प्रे बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सेटिंग स्प्रे। ये हम लोगों ने ना काफी यू नो रिव्यू के बाद ऑनलाइन और यूट्यूब पे वीडियो ये सब देखने के बाद, गूगल पे रिव्यू करने के बाद काफी, तब जाके हमने ये ऑर्डर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।